ईरान में मतदान शुरू, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने डाला वोट। रिपब्लिक ईरान में 13वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शुरू होते ही सुबह से पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इस्लामी रिपब्लिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने तेहरान में स्थित इमाम खुमैनी इमामबाड़े में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ईरानी राष्ट्र के लिए इलेक्शन को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके लोग पोलिंग बूथों पर उपस्थित होकर अपने कीमती वोट डालें। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश का फ्यूचर पब्लिक के हाथों में है, क्योंकि ये चुनाव देश के कार्यपालिका के प्रमुख को चुनने के लिए है। गौरतलब है कि ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में अली रजा ज़कानी, सईद जलीली और मोहसिन मेहर अली ज़ादे की ओर से चुनावी मैदान से हटने के ऐलान के बाद अब मुकाबला सैयद इब्राहिम रईसी, सैयद अमीर हुसैन, हाजी ज़ादे हाशिमी, मोहसिन रज़ाई और अब्दुल नासिर हिम्मती के बीच है। शनिवार की सुबह से ही चुनाव के रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे।